तेजस्वी यादव की ओर से कानूनी नोटिस मिलने पर जेडीयू नेता नीरज कुमार ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। नीरज ने कहा कि छेड़ा है तो छोड़ेंगे नहीं, अभी सैलरी घोटाला उजागर हुआ, आगे और भी घोटाले उजागर होंगे। तेजस्वी ने जो चुनावी हलफनामा दिया है उसके आधार पर मेरा आरोप है। नीरज ने यह भी कहा कि तेजस्वी से माफी का सवाल नहीं उठता। तो आप उसको लीगल नोटिस क्यों नहीं भेजे? और अगर बकायदा कोई जवाब नहीं आएगा तो हम उसको कोर्ट तक लेके जाएंगे। भाजपा, आरएसएस और आजकल जदयू जो है आरएसएस का चोला पहनी हुई है। जनता दल यूनाइटेड आरएसएस और बीजेपी के रंग में आ गई है। जो दंगा कराना चाहते हैं, जो देश को तोड़ना चाहते हैं, जो जहर समाज में फैला। आशुतोष जी, इसी पर और ज्यादा जानकारी लिए हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। आशुतोष, जेडीयू नेता ने जो आरोप लगाए हैं तेजस्वी यादव पर और उसके बाद लीगल नोटिस तेजस्वी यादव द्वारा नीरज कुमार के लिए भेजा जाता है, 12 करोड़ की मानहानि का ये नोटिस भेजा जाता है, क्या कुछ अपडेट आपके पास? नहीं, बिल्कुल। और नीरज कुमार ने जवाब दे दिया है कि वो पीछे नहीं हटेंगे और आज भी अपने आरोपों पर वो कायम है। बड़ी बात यह है कि तेजस्वी यादव ने 10 दिनों के अंदर माफ़ी मांगने या फिर 12 करोड़ 10 लाख रुपए के मुआवजे की नोटिस को भेजा है। नीरज कुमार ने कहा है कि अगले 2-3 दिनों में वो नोटिस का जवाब देंगे, लेकिन ये नोटिस का जवाब सिर्फ इतना ही नहीं होगा, इसके साथ भी बहुत सारे साक्ष्य और तथ्यों के साथ वो नोटिस का जवाब देंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि जब सैलरी घोटाले का आरोप लगाकर नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव के चुनावी हलफनामे को आधार बनाकर तेजस्वी यादव पर आरोप लगाए थे, उसके बाद तेजस्वी यादव ने लीगल नोटिस भेजा और तेजस्वी यादव ने कहा कि ये सारे आरोप, अगर कोई झूठे आरोप उन पर लगाता है तो वो बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे और कोर्ट तक लेकर जाएंगे ऐसे शख्स को। तो अब नीरज कुमार को कोर्ट ले जाने की तैयारी हो रही है और नीरज कुमार भी बिल्कुल तैयार हो चुके हैं कि वो आगे की लड़ाई, जो कानूनी लड़ाई है, वो वहाँ भी लड़ेंगे और जनता के बीच में भी मैसेज देने की कोशिश करेंगे कि वो अपने बयान पर कायम है और उन्होंने सच कहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये लड़ाई सिर्फ यही नहीं थमेगी, आने वाले समय में एक सीरीज वाइज नीरज कुमार कुछ खुलासे भी करेंगे तेजस्वी यादव को लेकर के। आरोपों का एक बड़ा फहरिस्त नीरज कुमार के पास है। उन्होंने कहा है कि समय के साथ साथ वो सभी चीज़ों को सामने रखेंगे, पब्लिक डोमेन में रखेंगे। अब तेजस्वी यादव कुछ देर के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। ये माना जा रहा है कि जो आरोप लगाए गए हैं उस पर तेजस्वी यादव कुछ डिटेल्स जानकारी देंगे और जो चुनावी हलफनामे की बात सामने कही जा रही है उस चुनावी हलफनामे को लेकर के भी कुछ स्पष्ट तस्वीर तेजस्वी यादव साफ करेंगे। इतना तो तय है कि उपचुनाव का वक्त है और उपचुनाव के पहले तेजस्वी और नीरज आमने सामने हो चुके हैं और मुद्दा बना है भ्रष्टाचार का, मुद्दा बना है घोटाले का, और देखना दिलचस्प होगा कि कौन किस पर भारी पड़ता है। लेकिन इतना ज़रूर है कि अभी बहुत सारे ऐसे तथ्य सामने आएंगे जिसको देख करके कहीं ना कहीं पब्लिक विचार करेगी कि तेजस्वी यादव ने सही फैसला लिया है या फिर नीरज कुमार सही दिशा की ओर जा रहे हैं, ये पब्लिक को फैसला करना है। जी बिल्कुल। और तेजस्वी यादव की तरफ से ये भी बयान दिए गए हैं कि कोई झूठा आरोप लगाएगा तो हम नहीं चुप बैठेंगे और सार्वजनिक तौर पर माफी मांगने की भी बात की गई है, तो इसको लेकर कितने तैयार हैं नीरज कुमार? उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि वो हर हाल में अपने स्टैंड पर कायम है और वो माफी नहीं मांगेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको याद होगा कि पिछले दिनों एक और आरोप तेजस्वी यादव पर लगा था जब उन्होंने 5 देशरत्न मार्ग का बंगला खाली किया था और बीजेपी के नेताओं ने आरोप लगाया था कि तेजस्वी यादव उस बंगले से बहुत कुछ ले जा चुके थे। और उसी वक्त आरजेडी ने यह भी कहा था कि कई लोगों को लीगल नोटिस भेजा जाएगा, हालांकि उस मामले में अब तक किसी को नोटिस नहीं भेजा गया है। ये दूसरा मामला था और इस दूसरे मामले में नीरज कुमार को लपेटने की कोशिश की गई है। अब देखना ये होगा कि नीरज कुमार की तरफ से लीगल नोटिस का जवाब
किस तरह से लीगल तरीके से दिया जाता है। फिलहाल अभी बयान के दौर जारी है, बयान देखने को मिलेंगे, लेकिन कानूनी लड़ाई किस तरह से लड़ी जाती है उस पर भी सबके निगाहें टिकी। बिल्कुल आशुतोष जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए।